नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों की। संसद का मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो गया है। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। कल सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं सरकार मॉनसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित कराना चाहती है, जबकि विपक्ष भी कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए तरीके, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पेगस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट्स पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है। आज फोन हैकिंग को लेकर पेगस प्रोजेक्ट पर मीडिया रिपोर्ट्स दोनों सदन में हंगामे की वजह बन सकती है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में जीरो ओवर में चर्चा के लिए नोटिस दिया है। आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक भी करने वाले हैं। इस बैठक में कोरोना की तैयारियों को लेकर सरकार विपक्ष के सामने प्रेजेंटेशन भी दे सकती है। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर आगे की तैयारियों के बारे में रोड मैप साझा कर सकती है। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। सोमवार से आज दूसरा दिन है। कल विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया है। आज सत्र का दूसरा दिन है। कुछ देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार तमाम विधेयक जो है वो पास कराने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे सर्वदलीय बैठक भी कर सकते हैं, जिसमें विपक्ष के सामने खास प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अम्मा बन गई हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और ममता दीदी दक्षिण भारत की तमिलनाडु में ममता अम्मा बन गई हैं। ममता बनर्जी को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक की नेता जयललिता की तरह अम्मा बताते हुए चेन्नई में पोस्टर लगाए गए हैं, जो फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। टीएमसी दक्षिण भारत समेत देश के अलग अलग राज्यों में तृणमूल कांग्रेस की पैच बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि 21 जुलाई को मनाए जाने वाले तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी के संबोधन को इस साल तमिलनाडु में तमिल भाषा में प्रसारित किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की माने तो 21 जुलाई को ममता बनर्जी के भाषण को पश्चिम बंगाल में बड़े पर्दों पर प्रसारित किया जाएगा। पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी ममता के भाषण का एलईडी स्क्रीन पर प्रसारण होगा। अलग अलग राज्यों में वहां की स्थानीय भाषाओं में ममता बनर्जी के अनुवादित भाषण का प्रसारण होगा। तो दीदी अब अम्मा बन गई हैं। जी हाँ, ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में ये पोस्टर्स लगे हैं। अलग अलग राज्यों में पैठ बनाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ममता दीदी के जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं तमिलनाडु में। 21 जुलाई को ममता बनर्जी अपने कुछ संवाद पेश करेंगे और वो संवाद जो है वो अलग अलग राज्यों में प्रसारित किए जाएंगे। वही क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से एलईडी पर प्रसारण होगा। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत झारखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में पेट्रोल पंप के पास सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेट्रोलियम पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ खुद सड़क पर उतरे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वरम उरांव ने खुद सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी किया है। मंत्री डॉक्टर उरांव ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार भले ही सत्ता के मद में चूर है, लेकिन जनता अब छोड़ेगी नहीं। साल 1947 से आज तक कांग्रेस ने जनहित को ध्यान में रखकर सभी कदम उठाए और काम किए हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर केंद्र सरकार महंगाई पर अंकुश के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। आपको बता दूं कि यह पहला मौका नहीं है। बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। तमाम राज्यों में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और ये प्रदर्शन
झारखंड में देखने के लिए मिला, जहां पर सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई गई है। तो कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, चाहे वो बढ़ती महंगाई को लेकर हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर हो। कांग्रेस के पास ये मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार वो देशव्यापी प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में कर रही है। किसान आंदोलन आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए संसद भवन की सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद की 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। संसद की कई स्तरों में सुरक्षा दी गई है। दूसरी तरफ नई दिल्ली जिला पुलिस को सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि नई दिल्ली इलाके में कोई भी ट्रैक्टर किसी भी सूरत में प्रवेश ना कर पाए। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी दिन भर संसद के आसपास गश्त करते हुए नजर आए हैं। किसानों ने मंगलवार को संसद की ओर मोर्चा करने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर किसानों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रस्तावित प्रदर्शन को टालने के लिए रविवार को किसान संगठनों को मनाने की दिल्ली पुलिस की कोशिश नाकाम रही थी। किसानों को प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान देने की कोशिश भी की गई थी, मगर किसान नहीं माने हैं। ऐसे में किसानों की 24 जनवरी को की गई हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और चिंता भी दिल्ली पुलिस की लगातार बढ़ गई है, जिसको लेकर तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खासकर कि जो ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्योंकि अगर अब बीते 26 जनवरी की हम बात करें तो उस दिन हम सब ने देखा था किस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी। लाल किले पर तमाम जो किसान हैं वो पहुंच गए थे, बैरिकेटिंग तोड़ दी गई थी, इसके बाद पुलिस पर हमला भी किया गया था। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सुरक्षा के मद्देनजर पहले से ही संसद भवन को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि मानसून सत्र भी चल रहा है। दूसरी तरफ किसानों ने आज संसद घेराव की बात कही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट देखी जा रही है। तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। किसानों ने आज संसद भवन के घेराव की बात कही थी, इसको लेकर पहले से ही दिल्ली में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एम्स में स्थानीय व्यक्ति को ही नियुक्त करने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र भी लिखा। सीएम ने लिखा है कि एम्स जैसे प्रमुख संस्थान के खुलने से कई लाभ होंगे। मेडिकल केयर के साथ साथ एक बेहतर मेडिकल शिक्षा का भी साधन बनेगा, समुदाय में रोजगार सृजन का भी साधन बनेगा। सीएम ने पत्र में लिखा है कि झारखंड सरकार अपने लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए द झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021 लाया गया है, जिसके तहत निजी क्षेत्रों में 30,000 रुपए मासिक वेतन तक की 75% नौकरी स्थानीय लोगों को दी जानी है। सीएम ने लिखा है कि दुर्भाग्य से उन्हें जानकारी मिली है कि एम्स देवघर में 90% सुरक्षाकर्मी झारखंड राज्य से बाहर के हैं। तो हेमंत सोरेन ने यह पत्र लिखा है स्वास्थ्य मंत्री को एम्स को लेकर और एम्स में नौकरी को लेकर यह पत्र लिखा है। एम्स बनने से आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगानंद सिंह जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले तो उनसे पटना आने का आग्रह भी किया। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद जल्द पटना आ सकते हैं, वो जुलाई के अंत या अगस्त के शुरू में आ सकते हैं। लालू प्रसाद के लिए राबड़ी आवास में खास कमरा बनाया जा रहा है। उनकी बीमारियों को देखते हुए नए कमरे की तैयारी हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो को किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए कमरे में विशेष ध्यान रखा जाएगा। लालू प्रसाद ने खुद भी आरजेडी के स्थापना दिवस पर कहा था कि वो पटना आएंगे और जिलों का दौरा भी करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो के लिए बनाए जा रहे नए कमरे में उनकी बीमारी से जुड़ी सुविधाएं भी रहेंगी। लालू प्रसाद को चलने फिरने में थोड़ी दिक्कतें हैं, इसलिए इसका खास ख्याल रखा जा रहा है कि कमरे में अप एंड डाउन नहीं के बराबर रहें, उनको आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। लालू प्रसाद को इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, इसलिए इस कमरे को बाकी कमरे से सेपरेट तैयार किया गया है।
तो ये पूरी तैयारी है, पटना जल्द ही आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव और उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दरअसल राबी आवास में नए कमरे की पूरी तैयारी चल रही है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए सारी तैयारी उसी हिसाब से रखी गई है। यूपी में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी दल जातीय समीकरण को साधने में जुट गए हैं। खासतौर से राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले ब्राह्मण समुदाय को अपने साथ लेने की कवायद सभी दलों ने शुरू कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो प्रदेश में एक बार फिर से 2007 के फॉर्मूले को अपनाने की बात करते हुए जगह जगह ब्राह्मण जोड़ो अभियान की शुरुआत करने का ऐलान भी कर दिया है। जबकि समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी बीएसपी पर निशाना साध रहे हैं और खुद को सबसे बड़ा ब्राह्मण का हितैषी बताने में जुट गए हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह जातियों की जोड़ तोड़ की कवायद यूपी में और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में हमेशा से जातिगत सियासत देखने को मिलती रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार सियासत जातिगत समीकरणों पर ही केंद्रित होती नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से न्यूज एजेंसी से बातचीत की, इस दौरान ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ जोड़ने की बात कही, उससे इतना तो तय माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। शायद मायावती को भी इस बात का एहसास हो गया है कि 2007 में जब वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तो उसमें भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का ही सहयोग सबसे ज्यादा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर 30 अगस्त 2001 से पहले आई तो बिहार में तबाही तय है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे आप सुनते जाइए। फिर ऑक्सीजन के लिए महामारी होगी, हॉस्पिटल सिलेंडर के लिए फिर हाथ खड़े करने की स्थिति में हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी लहर में 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की योजना पर पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। अब तक बिहार में 123 में मात्र एक प्लांट का शुभारंभ हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 30 अगस्त 2021 तक 123 प्लांट चालू कर दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई तो बड़ी चुनौती होगी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया था, एक एक सिलेंडर के लिए लोग भटक रहे थे, काला बाजारी जोरों पर थी। हालात ऐसे हो गए थे कि अस्पताल भी मरीजों से सिलेंडर के साथ भर्ती होने की बात कह रहे थे। ऐसे हालात में लोगों को काफी समस्या हुई। इसके बाद भी ऑक्सीजन को लेकर तैयारियों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। हालांकि इस बीच सरकार को ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर अधिक संख्या में मिले हैं, लेकिन इससे मरीजों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ही मरीजों को बड़ी राहत हो सकती है, लेकिन बिहार इसमें बहुत पीछे है। तीसरी लहर अगर आती है तो बिहार उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। दूसरी लहर में हमने देखा था कि बिहार में हाहाकार मच गया था, सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। कोरोना महामारी के दौरान निजी अस्पतालों में हुई आगजनी की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कहा है कि अस्पताल अब ऐसे बड़े उद्योगों में बदल जाए जो कि इंसान की जान की कीमतों पर चल रहे हैं, इनमें मानवता खत्म हो गई है। 3-4 कमरों में चलने वाले ऐसे अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा है कि अस्पताल एक बड़े उद्योग में बदल गए हैं जो लोगों के दुख दर्द पर चल रहे हैं। हम इन्हें इंसानी जान की कीमत पर समृद्ध होने की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे अस्पताल बंद किए जाएं और सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने दिया जाए। बेहतर होगा कि आवासीय कॉलोनी के 2-3 कमरों में संचालित नर्सिंग होम या अस्पतालों को बंद कर दिया जाना चाहिए। सरकार बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए, ये एक मानवीय त्रासदी है। कोर्ट ने ये बातें देश भर में कोरोना मरीजों के उचित इलाज, बॉडी के रखरखाव और अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं से जुड़ी घटनाओं पर खुद एक सुनवाई के दौरान कही है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर बेहद चिंतित है। जो ऐसे नर्सिंग होम है, जो ऐसे छोटे अस्पताल हैं जो कि 3-4 कमरों में चल रहे हैं, उन्हें बंद करने को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट नजर आया है। और ये टिप्पणी सीधे सीधे इसलिए है क्योंकि अस्पतालों में अगर आज की डेट में हम देखें तो सिर्फ उद्योग चल रहे हैं, इंसानों की जान की कीमत वहां पर नहीं होती है। हम सब अस्पतालों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वो चुनिंदा अस्पताल हैं जो लगातार ऐसा कर रहे हैं।
देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। देश में सोमवार को 39,413 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 45,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और 372 लोगों की संक्रमण की वजह से जान चली गई। नए संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा पिछले 125 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 28,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसी तरह रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी गिरावट हुई है। यह आंकड़ा भी पिछले 111 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 355 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की बात करें तो इसमें पिछले 24 घंटों में 16,322 की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं देश में फिलहाल 3,99,998 संक्रमितों का इलाज भी चल रहा है। यह आंकड़ा भी पिछले 117 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले देश में 24 मार्च को 3.91 लाख एक्टिव केस थे। तो ये राहत भरी खबर है, लेकिन अभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी भी आंकड़े शून्य नहीं है। 29,000 हैं, शून्य नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी का 2022 विधानसभा के चुनाव को लेकर आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है। इस बार उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर तंज कसा और प्रियंका गांधी को डूबती हुई नैया कह डाला है। दरअसल आपको बताते चलें कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनारस के लोगों को करोड़ों की सौगात देकर इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लखनऊ से अपने दौरे की शुरुआत कर चुकी हैं, जिसके लिए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। वहीं बीजेपी को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मेरा मानना है कि इस बार भी बीजेपी 300 के पार ही रहेगी। तो 2022 बेहद नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी से ही अपने आप को भुनाने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं, बयानबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव होने वाला है, ये कोविड-19 के बाद जो है विधानसभा का या लोकसभा का पहला चुनाव है विधानसभा का। और आप लोग जानते हैं कि कोविड के बाद एक अमेरिका का चुनाव हुआ जिसको डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अच्छा कार्य किया था। और अगर इंडिया की बात की जाए तो माननीय मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा अपना उम्मीद है कि 300 के पार जाएगी। देखिए, बहुत कुछ कहने लायक तो कांग्रेस पर है नहीं, आप लोग भी जान रहे हैं, उसका भी अस्तित्व नहीं बचा है समाज में। रही बात प्रियंका गांधी की, तो कांग्रेस से टाइटैनिक जहाज है डूबता हुआ जिसपे प्रियंका गांधी सवार है। डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, मन बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए बस डूबने वाले तिनके का ही कार्य। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में हलचल होनी शुरू हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कई युवा नेता समेत 65 लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इससे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ गया है। तो प्रसपा लगातार सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है सपा के खेमे में, यानी कि नाराजगी अब भी दूर नहीं हुई है चाचा भतीजे में। इसकी बानगिन तस्वीरों से पता चलती है कि प्रसपा में 65 युवा नेता शामिल हो गए हैं, जिनमें से कुछ सपा में थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने सपा खेमे में सेंधमारी की है। कासगंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। भीषण सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीषण सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों के बेहतर उपचार के लिए
50,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो बारातियों से भरी बस अनंतित होकर पलट गई, जिसमें खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की बात कही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बारात लौट रही थी और बारातियों से भरी बस अनंतित होकर पलट गई और हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही रात बचाव का काम किया गया, घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। दर्जनों गांव के ग्रामीण जान हथेली पर रखकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। इस तरह नदी से निकलने का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिजनौर की तस्वीरें हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर ग्रामीण जो हैं वो गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, कहां सड़कें हैं ये पता कर पाना इन तस्वीरों को देखकर बेहद मुश्किल नजर आता है। अब यहाँ कुआं जब दस्तावेज नहीं दे रही तब यहाँ फंसे पड़े हैं। यहाँ पे शादी थी या किस तरह? लड़की के यहाँ आई थी, मुसीबत की सुन तो खबर गई थी, खुद ही झोर थी लड़की को। अब जब कोई उतार नहीं दे रहा तो यहीं फंसे पड़े हैंगे, कहीं खाने जाने का रास्ता बंद, कोई तकलीफ होते तो क्या करेंगे बच्चे। हर तरह की दिक्कत, ये रोड बननी चाहिए, ये पुल बनना चाहिए तो इन्हें सुविधा हो जाए। बिजनौर से सटे कालागढ़ में हाथी कैंप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से एकत्र होकर गांव लालबाग, धराके, हरिपुर, गुजर गेट और रामानगढ़ तक क्राइम पेट्रोलिंग की गई। वन विभाग के अधिकारियों ने जगह जगह गांव वालों को जागरूक किया और वन्य जीवों के बारे में बताया, ताकि मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष कम हो सके और वन्य जीवों से लोग सुरक्षित रहें। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वन विभाग ने क्राइम पेट्रोलिंग की है, गाँव वालों को जागरूक भी किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वन विभाग ने क्राइम पेट्रोलिंग की है, गांव वालों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो क्राइम की घटनाएं हैं जंगलों में वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में किस तरह से जानवरों को सुरक्षित रखना है ये भी गांव वालों को बताया, क्योंकि कई तरह की शिकायतें गांव वालों की तरफ से मिल रही थी कि कुछ शिकारी यहाँ पर जानवरों का शिकार कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो जंगली जानवर है वो ग्रामीण इलाकों में आ जाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। तो ऐसे में पहले ग्रामीणों को जागरूक किया गया, उसके बाद एक पूरा जो दल है वन कर्मियों का निकला है और ग्रामीण इलाकों में गश्त की है। ये तस्वीरें आप बिजनौर से देख रहे हैं। तो वन विभाग लगातार क्राइम पेट्रोलिंग कर रहा है, जिस तरह से लगातार वन क्षेत्रों में घटनाएं हो रही हैं, साथ ही साथ कई बार जो जंगली जानवर है वो ग्रामीण इलाकों में आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जान तक चली जाती है जानवरों के हमले से। तो ऐसे में किस तरह से गांव वालों को सुरक्षित रहना है और जानवरों को किस तरह से सुरक्षित रखना है उन शिकारियों से, ये सब बताया गया है। एक पूरी मीटिंग यहां पर की गई है, एक बड़ा जत्था जो है वन कर्मियों का यहां पर नजर आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है वो यहां पर बैठे हुए हैं, वन कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं, सभी को समझाया गया है। और जो वन कर्मी हैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर गश्त करते हुए भी नजर आए हैं, जितने भी जंगल हैं उनका मुआयना किया है कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है जिससे ग्रामीणों को नुकसान हो सकता है, या फिर किसी जंगली जानवर की हत्या तो नहीं कर दी गई है। ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर यहां पर एक पूरा विश्लेषण किया गया है, साथ ही साथ ग्रामीणों को भी तमाम तरीके के सुझाव दिए गए हैं, कैसे वो खुद को बचा सकते हैं जंगली जानवरों से और कैसे वो जंगली जानवरों को बचा सकते हैं हादसे का शिकार होने से। गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है, उनके बीच में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके समाधान का जो प्रयास करें, इसमें क्या समाधान हो सकता है। तो जागरूक करके यही है कि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तो वन्य जीव सुरक्षित रहें और वन्य जीवों से लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए जागरूक और आपसी परस्पर सहयोग के लिए ये कैंप जो है
किया जा रहा है, इस तरह का पेट्रोलिंग की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान रामपुर के टांडा निवासी अनस और हसनान नाम के दो युवकों को बड़ी संख्या में आधार कार्डों के साथ पकड़ा है। दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि वो टांडा में जनसेवा केंद्र चलाते थे और वहीं से फर्जी आधार कार्ड बनाकर टांडा के ही स्कूल संचालक ताहिर को दे दिया करते थे। ताहिर इन आधार कार्डों के माध्यम से सिम लेता था और फिर फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति ली जाती थी। पुलिस ने इनकी निशानदेही से 54 बने हुए आधार कार्ड, 37 फर्जी आधार कार्ड एडिट किए हुए, 23 फर्जी सिम, 1900 फोटो छात्र छात्राओं के, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इसके अलावा कंप्यूटर प्रिंटर मशीन और मोटरसाइकिल बरामद किया है। ताहिर फरार बताया जा रहा है, वहीं पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पर दो युवकों को बड़ी संख्या में आधार कार्डों के साथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। ताही नाम का एक शख्स था जिन्हें दोनों व्यक्ति दे दिया करते थे और वो छात्रवृत्ति हड़पा करता था। फिलहाल ताहिर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। ये थाना सिविल लाइन ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। कल रात में चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति मोटर बाइक पे मिले जो संदिग्ध रूप में थे। जब इनकी तलाशी ली गई, पूछताछ किया गया, तो इनके पास में भारी मात्रा में आधार कार्ड मिले। तो शक के आधार पे इनसे पूछताछ की गई, तो इसमें इन्होंने बताया कि इसमें एक लड़का है, इसमें जो एक व्यक्ति है ताहिर जो मुख्य अभियुक्त है, उसका स्कूल है रामपुर टांडा में, ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। इसमें जो अनस जो लड़का है वो जो आधार कार्ड होते हैं उनका फोटो चेंज कर देता है, नाम चेंज कर देता है, उसके आधार पर ये फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं। हसनान है, इसका ग्राहक सेवा केंद्र है जिसके कंप्यूटर और उसके जो उपकरण है उसका उपयोग अनस करता है, जहाँ पे ये पूरा कार्य किया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।